इसमें नोटिस के लिए लॉर्डशिप 39 में जी, क्या है, लॉर्डशिप क्या मैट्रिक क्या है, लॉर्डशिप सीनियर सिटीजन के लिए लॉर्डशिप क्या सीनियर सिटीजन का, 16/9/2022 का लॉर्डशिप, है 16/9/2022 लॉर्डशिप क्या 16/9/2022 एंड एज अ पी वन। लेकिन मदर ने अपने पुत्र के अगेंस्ट मेंटेनेंस के लिए लगाया था, और उनका ये कहना था कि हमारे संपत्ति से उन्होंने बेदखल करने के लिए लगाया था। फिर तो क्या हुआ, 16/9/2022 को लॉर्डशिप ऑर्डर हुआ था, फिर उसके बाद फिर उसमें लॉर्डशिप आदेश हो गया कि घर खाली कराया जाए आपको ना, जी। आप फिर उसके बाद उसके इसके लॉर्डशिप हम इकलौती संतान है, और हमारा बस इतना संबिशन था कि हम अपनी मदर का प्रॉपर देख रेख कर रहे थे। नहीं, लेकिन जब फिर माता जी को क्या जरूरत पड़ गई आपके खिलाफ लगाने की, लॉर्डशिप इनकी पुत्रियां भी हैं, तीन तीन पुत्रियां हैं, तो एक ही इकलौती संतान है और मकान है, तो उन पुत्रियों का भी कहना है कि इसमें हमें भी दिया जाए। और वो वृद्ध है, मदर है, नहीं, तो वो अपने पास दैट इज नॉट अ ग्राउंड। आपने कुछ उनके साथ में अभद्रता की होगी, ये सीनियर सिटीजन वाला है ना, ये जी लॉर्डशिप उपलब्ध सीनियर सिटीजन वाले हैं लॉर्डशिप है क्या, यस मैडम, बताइए बुलाइए सामने बुलाइए। यस मैडम, जो अपनी परेशानी है। सर मेरी बहू मेरे को बहुत परेशान करती है सर, वो हाथ काटती है, कहीं फांसी में लटकती है सर, पुलिस की धमकी देती है और मेरे को जेल भेजाने की धमकी देती है सर, और 1 साल से मेरे को घर से बाहर निकाल दी बहू बेटे ने। मैं रिश्तेदारों के यहाँ यहाँ से वहां भटक रही हूँ सर, ठंड में। मेरा घर मेरा पति का घर है सर, ठीक है, बनाया हुआ, मैंने अपने बेटे को सर्विस दी हूँ, मैंने अपनी पति की सर्विस, आप ही सर थे मेरे पति, उसकी सर्विस बेटे को दी हूँ, जिससे वो 80,000 1 लाख रुपए कमा रहा सर, मेरे को घर से निकाल दिए बाहर आपको पेंशन मिलती है, ठीक जी। लॉर्डशिप पेंशन मिलती है नहीं लॉर्डशिप, है मैडम, कुछ है नहीं इसमें, लॉर्डशिप एक ये अपनी पुत्रियों के साथ रहती है, और जबकि हम इनको रख 2 मिनट लॉर्डशिप, जबकि आपको हम रखने की जरूरत ही नहीं, वो उनका घर है। ये लॉर्डशिप ये घर जो किसने बनवाया था, आपने बनवाया कि आपके पिताजी ने बनवाया था, इनकी पिताजी ने बनवाया था इनके लॉर्डशिप, पिताजी हमारे ने कि आपके पिताजी ने, हमारे पिताजी ने बनवाया था लॉर्डशिप। फिर स्वर्जित इनकी पुश्तैनी नहीं है, और इनके नाम से भी नामांतरण नहीं है। हमारा सिर्फ सम्मिशन इतना था लॉर्डशिप कि हम रखने के लिए तैयार थे, नहीं, सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में हमें लॉर्डशिप बनाने के लिए इजाजत दे देते, और सेकंड और भूतल में ही रह वो जाते बात की लॉर्डशिप। बात है, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा तब सब मिलेगा, ये लॉर्डशिप आपकी, लॉर्डशिप हम तो ऑलरेडी रखने के लिए ही तैयार थे अरे लॉर्डशिप, आपको और रखने का स्कोप ही नहीं है मैडम। हम इकलौती संतान लॉर्डशिप, हमारे भी इकलौती बच्चे भी संतान कहाँ है, आपकी बहनें भी तो है, इकलौती संतान का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो अदर चाइल्ड। लॉर्डशिप, अभी हमारा सम्मिशन इतना से है कि हम एक ही मकान में रह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी अभी नहीं रहने के सॉरी, लिए नहीं है, बच्चे भी लॉर्डशिप हमारे पढ़ रहे हैं, अभी कुछ परफेक्ट, दिन के लिए लॉर्डशिप हमें थोड़ा सा उसमें टाइम दे दिया जाए, एक तो महीने का टाइम दे देते, एक महीने में खाली कर दीजिए, मैडम से पूछ के दे देते एक महीने का टाइम, और 21 जनवरी लॉर्डशिप के पहले खाली कर दीजिए मकान, मेरा इतना लॉर्डशिप सम्मिशन था कि फैमिली मैटर था, थोड़ा सा मेडिएशन के लिए हो जाता, दोनों माँ और सामने बेटे तो बैठी हुई है वो, लॉर्डशिप भी हमारा पक्षकार आप नहीं है तैयार है कि लॉर्डशिप। अपने बेटे से सुलह बात करने के लिए, मेरे कान में सुनाई नहीं देता आपको क्या बताइए कि मैं, क्या ये अपने बेटे के साथ बैठ के बात करने के लिए कोर्ट में तैयार है, क्या यहाँ बात कर सकते बेटे बहू से जी सर, कर सकते हैं कर हम सकते तो, हैं, लिखिएगा श्रीमती उनको सविता घर से चौधरी बाहर लर्नेड, श्रीमती नहीं धमकी लॉर्डशिप देती है सविता, मिस सविता चौधरी लर्नेड काउंसिल फॉर दी पिटिशनर श्री, हाँ बोलो एक भैया, सबमिशन था माय लॉर्ड, अभी मेरा पावर फाइल नहीं है, मैं गया था तो कर बहुत देना बिना कर परमिशन देना के कर देना भैया, अपना नाम बताइए, मेरा थोड़ा रॉन्ग वो है, सुलह करने के लिए बोल रहे हैं कि सुलह करने के लिए आप नहीं जी तैयार, नहीं, मैं नहीं क्योंकि रह इस सकती, चीज वर्डिंग खतरा में है, बोला खतरा है, इसलिए है इनसे बहू बेटे से अरे सर, कहाँ, वहां कोर्ट यहाँ में यहाँ इनको कोर्ट में, क्या समझाइए, को आज जाके समझाइए, कोर्ट में बहू बेटे को बुला के एक बार आप सुलह करना चाहते सलाम हैं नहीं करना चाहते उनसे, सब, बिल्कुल नहीं, खतरा है अब उनसे, नहीं कोर्ट में, कोर्ट में तो कोई खतरा नहीं, कोर्ट में आप चाहती हैं कोर्ट में उनको बुला के बात आप करने के लिए आप तैयार हैं, नहीं खतरा है है उनको, मेरे को तुम लोग ऐसे ही बोलती हैं कि हम रखेंगे अच्छे से, पर उन लोग बहू का बिल्कुल विश्वास नहीं, कॉलोनी वाले से आप पूछ लीजिए सर, मैंने कॉलोनी वाले को बुलाई यहाँ पे थी, कोर्ट में साहब के सामने। मेरा सबमिशन ये था माय लॉर्ड्स कि ऑलरेडी 16/9/2022 का ऑर्डर है, और कलेक्टर साहब ने इसी जो इम्पीयून ऑर्डर दिया है उसमें इन्होंने ये कहा था कि मेरे बच्चे पढ़ते हैं मुझे समय चाहिए, तो ऑलरेडी 2 मंथ का 60 डेज का ऑर्डर दिया है इनको वैकेट करने का, तो 60 डेज के ऊपर 90 डेज हो गए फिर भी उन्होंने वैकेट नहीं किया, साइमल्टेनियसली एक यहाँ प्रोसीडिंग लगा ली और यहाँ के पहले सेम ग्राउंड पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक प्रोसीडिंग लगा दी पार्टीशन की। दिखाइए, अच्छा ये प्रोसीडिंग पहले की है, तो मतलब ये ओल्ड एज जो मदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग अटेंड करे और एक यहाँ अटेंड करे, और कोर्ट को मिसलीड किया है यहाँ। बताइए कहाँ लिखा है आपने इस पिटीशन में ये पार्टीशन सूट के बारे में,
किस पैराग्राफ? लॉटरी तो बाद में लगाए ना, लॉटरी भी तो नहीं, पहले यहाँ पर लगाए, उसके किस बाद में तारीख फिर को उसी लगाया है? बिल्कुल नहीं, वो सेम 12 को सूट पे लगा है लगाए। अलर्ट, इसमें है फर्स्ट पेज में 12 को, और 13 को लगा यहाँ, ये सूट किस तारीख को लगा है? 12 को फाइल हुआ है वहां, और यहाँ 13 को फाइल हुआ है एमपी। तो लॉटरी वो संपत्ति पे हक और स्वामित्व के लिए लगाए लॉटरी ठीक है, उस तो पे, बस वहीं लड़िएगा और बाकी ये जाकर, सोलह नौ सोलह नौ दो शिकायत हजार करो ठीक बाईस के अगेंस्ट यहाँ पर लगाए लॉटरी। है। इसको कुछ है नहीं इसमें। मिस सविता चौधरी लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, दिस मिसलेनियस पिटिशन श्रीमती गीता रजक रिस्पोंडेंट नंबर वन प्रेजेंट इन पर्सन अलोंग विद हर काउंसिल श्री संतोष आनंद, संतोष आनंद, संतोष आनंद। यस। नेक्स्ट, दिस पिटिशन इज फाइल्ड बाय द सन बीइंग एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 16/9/2022 पास्ड बाय कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जबलपुर इन केस नंबर 00/58 ऑब्लिक अपील ऑब्लिक 02/2022/23। आपकी माताजी की एज क्या है? ठीक अराउंड 65 माय लॉर्ड्स। है। वेयर बाय लर्नेड कलेक्टर हैज पास्ड एन ऑर्डर अंडर द प्रोवि इनवोकिंग द प्रोविजंस ऑफ, उस एक्ट निकालिएगा, सीनियर सिटीजंस का भरण पोषण वाला अधिनियम, इसी का नाइट नौकर का पूरा नाम लिखा दीजिएगा, इतना इतना, एंड हैज Ask the petitioner to leave the house of the respondent, which was constructed by her husband on the ground that she has a threat from her daughter-in-law and she has been externed from that house without any rhyme or reason. Next, Ms. Savita Chaudhary submits that her client is willing to keep the mother, full stop. She is not living with her, full stop. At this stage, Shri संतोष आनंद, संतोष आनंद सबमिट्स दैट ए सूट फॉर पार्टीशन इज ऑल्सो फाइल्ड बाय द पिटिशनर एज इज रजिस्टर्ड एज एज इज रजिस्टर्ड बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जबलपुर एज RCS 1287/2022 राजेश रजक वर्सेस गीता रजक एंड दिस फैक्ट इज सप्रेस्ड इन द प्रेजेंट रिट पिटिशन। हाउस नेक्स्ट पैरा टेकिंग दीज फैक्ट्स इन टू कंसिडरेशन एंड विद द कंसेंट ऑफ द अपोजिट पार्टी श्रीमती गीता रजक इट इज डायरेक्टेड दैट पिटिशनर शैल वेकेट द हाउस ऑन और बिफोर 30 जनवरी 2023। एक महीने का टाइम, 15 दिन का, 1 महीने का टाइम मिल रहा है खाली करने का, 15 दिन का शैल हैंड ओवर वेकेंट पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ सर 15 दिन रखिए सर इन फेवर ऑफ द नॉन एप्लीक रिस्पोंडेंट श्रीमती गीता रजक फुल स्टॉप। एज फार एज मैरिज आर कंसर्न देर इज नो सब्सटेंस इन द पिटीशन स्पेशली वेन मदर इज प्रेजेंट बिफोर दिस कोर्ट। She has categorically made allegations against the daughter-in-law and the son, pointing out that there is threat to her life and the purpose and object of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act is to protect the interests of the senior citizens and recognize senior citizens. Full stop. In view of such facts, petition being devoid of merit deserves to be dismissed and is dismissed with the direction that vacant possession of the suit property shall be property in question shall be handed over in favor of the respondent on or before 30 January 2023, failing which respondent will be entitled to seek interference from the concerned court for executing the orders of the collector. Yeah.
छोटा सा सबमिशन तो फरवरी तक पेपर है बच्चों का, फरवरी तक कर रहे थे लॉर्ड सर। नहीं, वो तो 15 दिन बोल रहे थे, हमने आपको 30 दिन दे दिया। और कलेक्टर तो लेडी 60 दिन दिया माय लॉर्ड, इसी दे ग्राउंड दिया, किराए का मकान ढूंढ के चले जाइए। लॉर्ड सर अगर एक बार फैमिली मैटर में बात करते तो मना कर दिया ना उन्होंने, आपके सामने पूछा था। कंसीलिएशन तो जब ही हो सकता है, मीडिएशन जब दोनों पक्षकार तैयार हो। आपके सामने पूछा था ना मैडम हमने।